वन में देखेंगे कि इसकी कोर्ट की डायमेंशन क्या होती है, इसके बेसिक रूल क्या होते हैं और इस गेम को किस तरह से खेला जाता है। हैंडबॉल आल्सो नोन एज द टीम हैंडबॉल और ओलंपिक हैंडबॉल, ठीक है, इसे टीम हैंडबॉल के तौर पे भी जाना जाता है और इसका नाम ओलंपिक हैंडबॉल भी है। इज अ टीम स्पोर्ट इन विच टू टीम्स ऑफ सेवन प्लेयर ईच सिक्स आउटफील्ड प्लेयर एंड अ गोलकीपर, ठीक है जी, एक गोलकीपर होता है और छह प्लेयर जो ग्राउंड में खेलते हैं, ठीक है। पास अ बॉल यूजिंग देयर हैंड्स विद द एम ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द गोल ऑफ द अदर टीम, ठीक है जी, इनका एक दूसरे की तरफ ये बॉल पास करते हैं और इनका मेन एम क्या होता है कि ये बॉल को जो है ना गोल में रोक कर दे, ठीक है। जैसे कि फुटबॉल है उसी तरह की गेम है, मगर इसमें टांगों का यूज़ नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ हाथों का यूज़ किया जाता है। हाथों का यूज़ करके बॉल को पास किया जाता है और दूसरे टीम के गोल में मारने की या थ्रो करने की कोशिश की जाती है। हैंडबॉल इज अ टीम स्पोर्ट, ये एक टीम स्पोर्ट गेम है, प्लेड बाय टू की जाती है।
जाती है और ये 9 मीटर फ्री थ्रो लाइन एरिया, ठीक है। पहले एरिया ये जंप करने का तरीका देख लेते हैं, फिर मैं आपको बाकी बात बताता हूँ, ठीक है। इन एन अटैकिंग मूव ऑन गोल प्लेयर रन फॉरवर्ड इन अ 1, 2 और 3 स्टेप रिथम एंड थ्रोज एट द गोल, ठीक है। अब ये करके और वो इस लाइन से पहले पहले गोल में थ्रो कर देगा, ठीक है। ये गोल करने का तरीका होता है। अगर वो येलो में पहुंच चुका तो उसका गोल कंसीडर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसको उस एरिया में जाना अलाउ नहीं होता, ठीक है। दो रेफरीज होते हैं इस गेम में, ठीक है। एक रेफरी यही चेक करता है कि प्लेयर ने शूट कहाँ से किया है, और दूसरा रेफरी अंदर के फाउल चेक करता है जहाँ पे बॉल होती है, ठीक है। और गोलकीपर जो होता है वो तकरीबन अपनी पूरी बॉडी यूज़ कर सकता है बॉल को रोकने के लिए, चाहे हाथ से रोके, चाहे पांव से रोके, चाहे जिस तरह मर्जी रोके, ठीक है जी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई और बात है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, कोर्ट लाइन, कोर्ट एंड लाइन इनडोर कोर्ट हैज हार्ड सरफेस, ऑल लाइंस आर 5 सेंटीमीटर of 1 meter yard outside the court is all 4 directions should be free obstacles to allow for free throwing of the ball and safety to the players, ठीक है। half or center line, the center में दो court के dimension को दोनों तरफ से divide करती है। parallel goal lines and equipments for both sides, there are a point mark at the center of the half line, the game is started कर सकता है, ठीक है। प्लेंटी भी इसकी जंप लेके ही करनी होती है, ठीक है। द गोल इज सराउंडेड बाय डी शेप एरिया, ये वो 6 मीटर का बता रहा है कि इसके अंदर प्लेयर को अलाउड नहीं होता। प्लीज इज द गोल कीपर एंड डिफेंडिंग दैट गोल द दिस लाइन सेपरेट हिम फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स, ठीक है। गोलकीपर लाइन, द गोलकीपर लाइन इज ड्रॉन 4 मीटर यार्ड अवे फ्रॉम द गोल एंड सेंटर अलोंग विद द विड्थ एंड द कोर्ट दैट लाइन मार्क आउट outermost distance to which the goalkeeper is allowed to go from the goal beginning defending a penalty through, ठीक है। एक 4 मीटर की लाइन भी होती है जहाँ तक कीपर को अलाउ होता है कि वो वहाँ तक जाके डिफेंड कर सकता है पेनल्टी शूट के दौरान। गोल क्लियर एरिया, द गोल इज द सेंटर अलोंग विद द गोल लाइन एट ईच एंड ऑफ द कोर्ट, इट इज
3 meters 3.2 yard wide and 2 meters yard tall. Bolted at the wall or the floor, it is 2 meters yard deep from the goal line to the outside. हमने पहले देख लिया है कि वो किस तरह की होती है, मतलब 2 मीटर बाय 3 मीटर होती है। सब्स्टिट्यूशन एरिया, सब्स्टिट्यूशन एरिया इज सेंटर्ड अलोंग द साइड ऑफ द कोर्ट स्टैंडिंग 4.5 मीटर यार्ड ईच साइड फ्रॉम हाफ लाइन। एनी प्लेयर लीविंग और एंटरिंग द फील्ड मस्ट डू सो फ्रॉम देयर। ठीक है जी, लाइन है जहाँ से तमाम प्लेयर जहाँ से दूर रहते हैं, चाहे वो डिफेंडर है चाहे वो अटैकर है। ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। हैंडबॉल इज अ ट्रैफिक फास्ट प्लेयर प्लेइंग बिटवीन, जो उसने थोड़ा सा बताया हुआ है। अच्छा, टू टीम्स विद 6 स्क्वाड प्लेयर एंड 1 गोलकीपर ईच कंप्लीट प्लेयर सब्स्टिट्यूशन कैन बी इफेक्ट एट एनी टाइम। द स्क्वाड प्लेयर मस्ट बी एंटर टू द गोल एरिया 6 मीटर इन फ्रंट ऑफ द गोल। बॉडी टू बॉडी कनेक्शन तो अलाउ है, ठीक है, मगर क्या है कि जी वो उसको जो है मतलब धक्का नहीं दे सकता, हिट नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखें यहाँ पर वो टैकल उसे कर सकता है, ऐसे आगे पीछे हाथ उसे कर सकता है। ठीक है, मतलब उसको शॉट मारने से रिजिस्ट कर सकता है, मगर उसको पकड़ नहीं सकता। ठीक है, ना उसको जकड़ सकता है। मस्ट नॉट स्ट्राइक द बैक अपोनेंट्स थ्रू एन आर्म, उसके आर्म को भी नहीं रोक सकता स्ट्राइक मारने से। मस्ट नॉट स्पाइक अ क्लियर चांस ऑफ स्कोरिंग विद इलीगल मींस, दिस ऑलवेज लीड टू द 7 मीटर थ्रो। ठीक है जी, उसको अंदर से, ये देखिए उसका पाँव अंदर है ना लाइन के अंदर, तब भी उसे उस तरह करके भी नहीं रोक सकता। उसको अगर उसे रोकना है तो इधर रोकना 7 मीटर से इधर। ठीक है जी, द अटैकिंग प्रोसेस ऑफ द बॉल इज एंटाइल टू बाउंस द बॉल एज ऑफन एज ही लाइक्स टू डू सो। Catching the ball, he is allowed to take a maximum of 3 steps with it. Then he has to pass or to shoot. ठीक है, क्या करना है जी उसने, ये देखिए उसने कितने बार बॉल को he allowed to ball up and he likes to do. If he catch the ball, he allowed to take a maximum of 3 steps. ठीक है, कैच करने के बाद उसने 3 स्टेप लेने हैं और फिर उसने शूट करना है। यानी कि वो जो 9 मीटर जो मैंने आपको बताया था ना कि लाइन, उस 9 मीटर की लाइन के पीछे से उसने स्टेप लेने स्टार्ट कर देने हैं और 9 मीटर की लाइन के अंदर 7 मीटर से इधर इधर उसने शूट करना है। हैज टू जंप एट द गोल एरिया लाइन 6 मीटर लाइन इज अलाउड टू फ्लाई अबव द गोल एरिया बट मस्ट नॉट एंटर इट विद द बॉल इन हिज हैंड। ठीक है, यानी कि वो 6 मीटर की जो लाइन है ना उससे वो दाखिल हो, जंप लेके, बेशक जंप लेके वो थ्रो कर रहा है ना, थ्रो करने के बाद वो उस लाइन में भी गिर जाता है तो फिर भी गोल काउंट होगा। ठीक है, मगर बाहर अगर उसके हाथ में है तो उसका पाँव, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया कि उसका पाँव लाइन से इधर